एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटीज फाइनेंस चैनल। मैं वर्षा, जैसे आप सभी को मालूम है। और गाइस, कैसे हो आप लोग? आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 12 o'clock। और गाइस, आप मेरे वीडियोस देखते हो कि नहीं? अगर देखते होगे तो प्लीज़ जाके दोबारा देखिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो मेरे वीडियोज़ के नीचे, तो प्लीज़ जाके कमेंट कीजिए। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो आपको आवाज़ें आ रही है उसके लिए बहुत सॉरी, इग्नोर कीजिए वो आवाज़ के लिए, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे लोग के, तो अभी ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग फुल टाइम खेलते हैं और उनका हक है खेलना। सो प्लीज़ इग्नोर कीजिए और आप सिर्फ मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। मैं जा रही हूँ लंच बनाने और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में इंडियन स्पेशल लंच, दैट इज़ पालक पनीर। और पालक पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेजस को भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली पालक पनीर सबको पसंद है। आज मैं जो आपको पालक पनीर का रेसिपी बताने वाली हूँ, ये कम से कम 15 मिनट का है। अब 15 मिनट में पालक पनीर बना सकते हो। पालक पनीर बनाना बहुत इजी है, सिर्फ प्रिपरेशन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस, बट बहुत इजी है। आप इसे बना के देखिए। फ्रेंड्स, आप कैसे बनाते हो पालक पनीर वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए लंच का प्रिपरेशन करते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, तो ज़रा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पालक पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पालक लिए हुए, पालक के पत्ते बनाने के लिए हमने लिया हुआ है ग्रीन चिली, गार्लिक, ये है अदरक, और ये है 2 बड़े प्याज, ये है टमाटो, और ये थोड़ा सा जीरा, और यहाँ लिया हमने पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए जो पनीर, ये है पनीर, आप देख सकते हो गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि पालक पनीर बनाने के लिए हमने कौन से पत्ते लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको ऐसे पालक के पत्ते लेने हैं, ग्रीन एकदम फ्रेश। अब इसे हम यहाँ से तोड़ेंगे, आपको इसे ऐसे तोड़ना है, ये देखिए। इसके जो पीछे के साइड है इसे नहीं लेना है, सिर्फ आगे के पत्ते लेने हैं आपको। तो ये देखिए गाइस, हमने पालक के पत्ते अच्छी तरह से तोड़ लिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और ये देखिए गाइज, हमने स्पिनिच को, पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है गाइज, गैस का फ्लेम ऑन करना है और आपको एक टोप में पानी रख के इस पर रखना है, और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। गाइज, हम इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे, इसे कवर कर देते हैं कि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो फ्रेंड, जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, हम यहाँ पर एक पैन रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, गैस ऑयल डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। देखिए, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, सेकंड ऐड करेंगे, मैं ऐड कर रहे हैं गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, और ये ऑनियन भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हम गाइस थोड़ा देर तक पकने देंगे, जब तक ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, और देखते हैं पानी गर्म हो चुका है कि नहीं। ये देखिए, हमारा पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम पालक डालेंगे। तो इसे गाइस अब हमें सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है और हाई फ्लेम पर ही, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो पालक का जो कलर है वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें लाइट ग्रीनिश ही पालक पनीर बनाना है। तो इसे अब 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए अब देखते हैं, जो हमने ऑनियन रखा था फ्राई होने के लिए वो फ्राई हुआ है कि नहीं, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम टमाटो डालेंगे। अब इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। ये देखिए गाइस, हमारा पालक भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इस पालक को अच्छी तरह से निकाल लेंगे इस छन्नी की हेल्प से।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें इसे अच्छी तरह से पालक को निकाल लिया है, ये गर्म है। अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ऊपर से कि पालक ज़्यादा पके ना, और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं जो ऑनियन और टमाटो हमने पकने के लिए रखा हुआ था थोड़ा फ्राई होने, वो अच्छी तरह से पक गया है कि नहीं। ये देखिए गाइस ये भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और पालक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इस पालक को और जो ऑनियन और टमाटो हमने फ्राई किया है उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मिक्सर में इसे मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है, ये ठंडा हो चुका है और इसका अब हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, पहले ऐसे ही मैं अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी कि गाइस इसमें पालक और ऑनियन थोड़ा और अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट नहीं हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए अब इसका अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है आप देख रहे हो। तो चलिए अब पालक पनीर बनाते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो गाइज मैं अगेन यहाँ पे वही पैन यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑनियन और टमाटर का एक पेस्ट बनाया था। दूसरा पैन भी यूज कर सकते हो, तो मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा ज्यादा स्पाइसी पसंद है इसके लिए मैं रेड चिल्ली पाउडर 2 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें हम ऐड करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है और गाइस इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, हमें 3-4 मिनट तक ही पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पालक को ऑनियन टमाटो को जो पेस्ट बनाया उसे अच्छी तरह से पका लिया है। ऐसे ही 3-4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरह से पक गया है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना था। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा नमक, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिए, अगर आपको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ज्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं चाहिए, तो जो हमने मसाला मिक्स किया था उस वक्त ही आप इस पे पनीर ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा इसका कंसिस्टेंसी और चाहिए था, लिक्विड टाइप में आप देख रहे हो, इसके लिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसे थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी 2 से 3 मिनट तक। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। जो हमने पनीर क्यूब्स में कट किए थे वो पनीर को इसमें हम ऐड करेंगे। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम ही आपको रखना है, एकदम स्लो और एकदम हाई नहीं करना है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं पनीर। पनीर ऐड कर दिया है। पनीर ऐड करने के बाद से हम इसे और 1 से 2 मिनट पकने देंगे, उसके बाद गैस हम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 मिनट हो चुका है और पालक पनीर हमारा रेडी हो चुका है। पनीर डालने के बाद से मैंने 2 मिनट इसे और पकाया और ये हमारा पालक पनीर रेडी। तो अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। पालक पनीर को गार्निश करने के लिए आप इसके ऊपर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। मैं फ्रेश क्रीम की जगह यहाँ पे चीज ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम चीज दोनों से भी गार्निश कर सकते हो। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है।
ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे गार्निश करना है। आप चीज से करो या फ्रेश क्रीम से या दोनों भी आप यूज कर सकते हो। तो ये देखिए गाइज हमारा पालक पनीर रेडी हो चुका है। और गाइज आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा रेसिपी थोड़ा सा ही पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।